नमस्कार दोस्तों, मैं आरएस एलिवेटर से आदित्य प्रजापति। मेरा यूट्यूब चैनल आरएस एलिवेटर एंड टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज अपन ये सिंगुलर का एनजीएल जो सिस्टम आता है तो इसको रिपेयर करेंगे। इसमें अपन इनपुट सप्लाई देते हैं न्यूट्रल और फेस, और ये आउटपुट सप्लाई अपने को डीसी में अपने को मिलता है। तो इसको मैं रिपेयर करूंगा। सबसे पहले इसको अपन खोल लेते हैं कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको कैसे रिपेयर करते हैं, चेक करके भी दिखाएंगे। तो ये चार बोल्ट हैं इसके, तो ये खोल लेते हैं अपन और इसकी जाली खोल लेते हैं। इसके अंदर फिर क्या क्या मिलता है अपन देखते हैं। तो ये अपन ने हटा लिया है एक्चुअली, और ये इसकी जाली हटा ली है अपन ने, और ये इसमें कार्ड है, अंदर भी ये कार्ड है। थोड़ा सा खराब तो दिख रहा है ये, पर अब क्या करते हैं अपन इसमें सप्लाई देके देखते हैं कि ये अपन को सप्लाई मिल रही है या नहीं मिल रही आउटपुट में। तो ये वायर मैंने लिया है यहाँ पे, और यहाँ मैं इसके कनेक्शन कर लेता हूँ सबसे पहले न्यूट्रल और फेस में। और ये मेरे पास बोर्ड पड़ा है, तो इसमें से मैं इसको कनेक्शन दूंगा। तो ये है अपना न्यूट्रल, और ये है अपना फेस। तो अपन अब क्या करेंगे, इसमें सप्लाई देंगे। दोस्तों, ये सप्लाई मैंने लगा दी है, अपन मल्टीमीटर से चेक करेंगे। तो ये सप्लाई यहाँ मैंने लगा दी है। अब अपन यहाँ सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है, एलईडी जलनी चाहिए, तो ये नहीं जली। मतलब ये सिस्टम अगर अपना वर्किंग करता तो ये एलईडी अपनी जरूर जलती। तो सबसे पहले अपन इनपुट सप्लाई चेक करेंगे इसकी। ये एसी सप्लाई है, मेरा बिल्कुल प्यारा सा मल्टीमीटर है, छोटा सा। तो अपन एसी सप्लाई यहाँ चेक करते हैं कि इसमें आ रही है नहीं आ रही है सबसे पहले। तो ये मैं प्रॉपर तरीके से इसके वायर लगाता हूँ सप्लाई। तो दोस्तों, ये देखो 239 इनपुट सप्लाई आ रही है। यहाँ मैंने न्यूट्रल और फेस पे यहाँ मैं चेक कर रहा हूँ, ये मेरा प्यारा सा मल्टीमीटर है। तो देखो 239-40 वोल्टेज अपने ऐसे सप्लाई इनपुट में आ रही है। बट यहाँ पे अपना क्या है, डीसी वोल्टेज जो आता है वो मैं चेक करवाता हूँ आपको। इसमें डीसी वोल्टेज अपने को आउटपुट में नहीं मिल रहे हैं, ये देखो बिल्कुल भी यहाँ सप्लाई नहीं आ रही। ये देखो आउटपुट में यहाँ बिल्कुल भी सप्लाई अपनी कुछ भी शो नहीं कर रहा। तो इसका मतलब यह है कि ये जो एलईडी लाइट है ना, ये ग्रीन हो जाएगी, ये जल जाएगी। तो चलिए अपन इसको अब रिपेयर करते हैं, और रिपेयर करके मैं इसका वीडियो दिखाता हूँ। पहले इन सभी कंपोनेंट्स को चेक करना पड़ेगा, कौन से कंपोनेंट्स सही है कौन से खराब है, और इसको रिपेयर करके इसका जो भी है आउटपुट मैं आपको क्लियर दिखाऊंगा। और सबसे पहले इसकी एसी सप्लाई अपन हटाएंगे, क्योंकि झटका नहीं लग जाए इसकी वजह से। अपन ये बिल्कुल साइड में हटा देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस कार्ड को अपन बाहर की तरफ निकालेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा साफ सफाई भी करनी जरूरी है इसकी, बिल्कुल गंदा सा हो रहा है ये। तो मैं इसको यहीं रखे रखे कार्डों को, बिल्कुल सारे कार्डों को सफाई करता हूँ। और कौन सा कोई ट्रैक व्रेक तो निकल गया कहीं से, कहीं कार्बन आर्बन तो नहीं आ गया, इसमें कार्बन भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो एक एक चीज़ बिल्कुल इंटरनल और चारों तरफ से इसका सबसे पहले तो क्या, इसकी सफाई करेंगे ढंग से, प्रॉपर तरीके से। SMPS आई से वाई की सबकी इधर से बिल्कुल डस्ट जमी हुई है, देखो बिल्कुल गंदा सा दिख रहा है। तो कचरे की वजह से भी क्या है, कभी कभार बारिश के टाइम पे लीकेजिंग की वजह से क्या शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो इन चीज़ों का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन प्रेस करें। मैं आपको ऐसे ही नए नए वीडियो देता रहूँगा। तो अपन ने इसमें से क्या डस्ट जो भी डस्ट थी वो साफ कर ली है। अब अपन इसको चेक करेंगे कौन सा कंपोनेंट खराब है इसका और कौन सा नहीं है। तो देखते हैं एक एक पार्ट चेक कर करके। यहाँ से थोड़ा सा कार्बन या जला हुआ सा दिख रहा है, मैं देखता हूँ इसको। तो
क्रैक व्रैक तो नहीं जल गया कहीं यहाँ पे, थोड़ा सा डैमेज भी दिख रहा है मेरे को, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ ट्रैक व्रेक यहाँ से जल गया हो और बिल्कुल हटा हुआ सा है, तो लग तो ऐसा ही रहा है। तो चलिए इन दोनों को मैं चेक करता हूँ एक बार। ये अपना यहाँ से वायर कटा हुआ है, तो ये बिल्कुल वायर टूटा हुआ है इसका कंपोनेंट का, आपको ये कंपोनेंट दिख रहा होगा। तो इनको मैं चलो सोल्डिंग मारता हूँ। सबसे पहले इसको सोल्डिंग मार के अपन चेक करते हैं, तो उसके लिए अपन सोल्डर वायर लगाते हैं। तो अपन यहाँ से जो कटा हुआ था इसको सोल्डिंग करते हैं और फिर ये चेक करते हैं। तो यहाँ से अपन ने इसको अच्छे तरीके से सोल्ड कर दिया है, सोल्डिंग कर दिया है प्रॉपर तरीके से। और मेरे पास आज दो आइटम आए हुए हैं रिपेयर के, कि वितुर का डोर ड्राइव भी है, अभी थोड़ी देर में इसको भी रिपेयर करेंगे अपन। तो इससे पहले अपन इसको लगा दिया है अपन ने, अब इसकी सप्लाई चेक करते हैं दोस्तों अपन क्या सीन रहता है इसका। लगा दी है इसमें, और ये देखो ग्रीन वाली जो लाइट में बोल रहा था कि ग्रीन वाली लाइट अपनी जलनी चाहिए, तो ये जल गई है। अब इसकी सप्लाई एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या सप्लाई इसकी आउटपुट होती है। ये 26-27 वोल्ट का सिस्टम होता है, 26 वोल्ट आउटपुट देता है ये, तो इसको NGL बोलते हैं। ये अपने सिंगुलर लिफ्ट में लगता है, सिंगुलर लिफ्ट का NGL। सबसे पहले अपन AC इनपुट चेक करेंगे। तो ये AC मैंने लगाया है 238-39, यहाँ आ रहा है, दिख रहा होगा आपको मल्टीमीटर में यहाँ पे। और इसके बाद अब मैं यहाँ पे DC सप्लाई चेक करवाऊँगा। तो DC सप्लाई यहाँ पे मैंने सेट कर लिया है मल्टीमीटर पे। तो ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव है और ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो पहले इसमें और इसमें मैं चेक करता हूँ। ये देखो 26 आपको दिख रहा होगा, 26.17 प्रॉपर तरीके से दिख रहा होगा 26.17। तो ये 26-27 मतलब 26.5 वोल्ट ये देता है, ये प्रॉपर रखता है वोल्टेज को। और इसी से अपना SMIC कार्ड और सिंगुलर का जो मेन कार्ड होता है वो यहाँ इससे ऑन होता है। तो ये मैंने रिपेयर कराया है, इसमें कुछ भी नहीं था, एक छोटा सा कंपोनेंट था जो जला हुआ था उसका, तो अपन ने उसको सोल्डिंग मार दिया और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये वर्किंग पे है। तो अपना ये अच्छे तरीके से अपन इसको साफ सफाई करके और बिल्कुल अपन ने मैंने आपको टेस्ट करवाई दिया है कि ये बिल्कुल वर्किंग पे, ये ग्रीन वाली LED ऑन हो गई है। तो ये NGL सिस्टम है जो सिंगुलर में लगता है, एक तरीके से अपने पावर को मतलब कंट्रोल करने का, और पावर सप्लाई है एक तरीके से ये। तो अपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो दोस्तों ये चीज़ मैंने दिखाया कि कौन सा, आप हर वीडियो में बोलते हैं कि कौन सा कंपोनेंट इसका आपने दिखाया है नहीं वीडियो में, तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको हर वीडियो में कंपोनेंट दिखाऊं, बट इस वीडियो में मैंने आपको दिखाई दिया है। और बाकी मैं आपको किसी भी प्रकार का मदर कार्ड या कोई सा भी रिपेयर करवाना हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो, मेरे से आप चैनल पर कमेंट करके संपर्क कर सकते हो, मैं आपको बिल्कुल कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा। और इसका जो भी चार्ज बनता है आप मेरे से हेल्प भी ले सकते हो। तो कोई भी अगर लिफ्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसका सॉल्यूशन भी दूंगा, पर उसके लिए एक चार्ज लगता है। मेरे पास अभी बहुत कॉल्स आ रहे हैं, पहले मैंने बहुत मतलब वीडियो हर वीडियो में मेरे नंबर डाले हुए थे, तो उसकी वजह से मेरे पास बहुत कॉल्स आते हैं। फालतू के लोग भी क्या कॉल्स कर लेते हैं, छोटी सी बीमारी होती है, पैनल वाले से नहीं पूछ के मेरे को कॉल्स करते हैं। तो ज़्यादा कॉल्स नहीं करें, लिमिट का ही मेरे पास कॉल करें, जिससे मेरे को भी दिक्कत नहीं आए, मेरे भी खुद के भी काम रहते हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, ऑल ऑफ यू थैंक्स।